चलो बैठो, इससे पहले वाला हिसाब का डाटा अधूरा है, इसको बाद में बना देंगे। केसी सिन्हा वाली किताब लाना, उसमें पूरा डाटा दिया हुआ है। फिलहाल इसको देखो, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो क्षेत्रफल बराबर हमेशा लंबाई गुने चौड़ाई होगा, होगा ना? तो आयत का क्षेत्रफल दिया है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। मान लो कोई एक आयत है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। इकाई यहाँ इकाई के जगह कुछ भी सेट कर दो, सेंटीमीटर देंगे। इकाई का मतलब यूनिट, क्षेत्रफल का यूनिट क्या क्या हो सकता है, यही इकाई के जगह सेट कर दो 9 वर्ग। अगर सेंटीमीटर देंगे तो 9 वर्ग सेंटीमीटर कम हो जाता है। यहाँ सेंटीमीटर के बदला मान लो मीटर देते हैं, तो 9 वर्ग मीटर कम हो जाता है। इकाई के जगह मीटर के बदला किलोमीटर दे तो 9 वर्ग किलोमीटर कम हो जाता है। इंच दे तो 9 वर्ग इंच कम हो जाता है। समझा इस आपको? तो पहले मान लेंगे कोई एक आयत है, माना कि ए बी सी डी एक आयत है। तो जब ये आयत को मानेंगे तो आयत का एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। चारों कोण 90-90 डिग्री होता है, चार कोण होता है। तो आयत का जब ये आयत मानोगे तो उसमें एक कोण को 90 डिग्री ही नहीं बल्कि तीन कोण को 90 डिग्री दिखलाना होगा कम से कम। तो चौथा कोण अपने 90 डिग्री हो जाएगा जी। चारों कोण का योग 360 डिग्री होगा ना? तो तीन कोण 90 मान लेंगे तो चौथा कोण 90 होगा ही जी। तो माना कि ए बी सी डी कोई आयत है जिसकी लंबाई ये मान लो वर्ग इकाई में दिया है ना, तो मान लेते हैं एक्स मीटर है और चौड़ाई वाई मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। इसलिए एरिया ए बी सी डी बराबर लंबाई, लंबाई एक्स मीटर गुणे चौड़ाई वाई मीटर बराबर एक्स वाई मीटर गुणे मीटर वर्ग मीटर, एक्स वाई वर्ग मीटर। अब प्रश्न को देखो, एक आयत, जब ये एक आयत है, भुजा वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, तो मान लेंगे कि माना कि ए बी सी डी कोई आयत है, बी सी डी ई कुछ भी नाम रख सकते हैं, जिसका प्रत्येक कोण दिखलाएंगे और आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर इसको एक्स मानेंगे तो सामने वाला भी एक्स मीटर होगा और ये वाई है तो ये भी वाई मीटर होगा। अब प्रश्न में दिया हुआ है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग, यहाँ पर मीटर मान लो, तब समझने में आसानी होगी। इकाई की जगह हम मीटर लिख देते हैं। अब देखो, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर कम हो जाता है, कम होता है तो पहले कुछ न कुछ तो क्षेत्रफल होगा। तो पहले आयत हम लोग मान लेंगे, माना कि ए बी सी डी एक आयत है जिसका कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। फाइनली फेयर के ढंग से जैसे बनाएंगे तब ऐसे लिखेंगे, माना कि ए बी सी डी एक आयत है जिसमें कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि
आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो ये दिखलाना होगा। इसके बाद पुनः माना कि लंबाई x मीटर है तथा चौड़ाई y मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई एक्स वाई वर्ग मीटर। अब कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर कम हो जाता है, यानी पहले जितना था वो 9 वर्ग मीटर कम होता है। कब? यदि उसकी लंबाई 5 मीटर कम कर दी जाए, 5 मीटर कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाती है, यानी इसका पहले से जो क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर कम कब होगा? जब लंबाई 5 मीटर कम कर दी जाए और कर दी जाती और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए। तो इसका अर्थ हुआ प्रश्न से उसकी लंबाई 5 मीटर कम कर दी जाए, प्रश्न से लंबाई 5 मीटर कम कर दी जाए, तो पहले लंबाई हम लोग कितना माने हैं? तो लंबाई ये है, मान लो ये हो गया चौड़ाई, तो लंबाई 5 मीटर कम कर दी जाती है, तो लंबाई जो x मीटर है तो 5 मीटर कम करेंगे, अगर 20 मीटर है 5 मीटर कम करेंगे तो 20 माइनस 5 15 मीटर, x मीटर है 5 मीटर कम करेंगे तो x माइनस 5, तो प्रश्न से लंबाई कम करने पर नया लंबाई कितना होगा? प्रश्न से नया लंबाई x माइनस 5 मीटर तथा चौड़ाई कितना कम कर दिया जाता है? चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाती है, यानी 15 मीटर है तो बढ़ा देंगे 3 मीटर, तो 15 जोड़ 3 18 मीटर, तो लंबाई ये चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाती है, तो चौड़ाई है y, यानी y प्लस 3 मीटर कर दी जाती है। यहाँ तक देखो, पहले एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर कम हो जाता है, कब? जब लंबाई 5 मीटर घटा दे और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दे, तब कम होता है कितना? तो 9 वर्ग मीटर, यानी पहले जितना था उसमें 9 वर्ग मीटर कम हो जाता है। तो पहले कितना था? एक्स वाई वर्ग मीटर, अब मान लो एक्स वाई वर्ग मीटर 30 वर्ग मीटर है तो 9 मीटर कम हो जाता है, तो 30 वर्ग मीटर माइनस 9 वर्ग मीटर यानी 21 वर्ग मीटर हो जाता है क्षेत्रफल। तो पहले जो ये क्षेत्रफल था, तो लंबाई 5 मीटर घटा दिए और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दिए, तो नया क्षेत्रफल कितना होगा? इसलिए नया क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई हो गया x माइनस 5 मीटर गुने चौड़ाई, लंबाई तो x माइनस 5, चौड़ाई y प्लस 3, तो y प्लस 3 मीटर इतना हो जाता है। लेकिन प्रश्न से नया क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है? 9 वर्ग मीटर कम हो जाता है नया क्षेत्रफल, पहले वाला क्षेत्रफल से। पहले क्षेत्रफल था कितना? एक्स वाई वर्ग मीटर, अब 9 मीटर कम हो जाता है, तो नया क्षेत्रफल जो हम लोग को ये हुआ है ये कम है, किससे? पुराना वाला क्षेत्रफल से। कितना? 9 वर्ग मीटर, है ना? तो लिखेंगे अब प्रश्न से नया क्षेत्रफल बराबर पुराना क्षेत्रफल माइनस 9 वर्ग मीटर कम, तो पुराना वाला में 9 वर्ग मीटर घटा देंगे तो नया क्षेत्रफल के बराबर होगा। यही पर मुख्य चीज समझना है, समझे? तो प्रश्न से नया क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल माइनस 9 वर्ग मीटर, तो नया क्षेत्रफल निकला है कितना? तो नया क्षेत्रफल निकला है x माइनस 5 और y प्लस 3 वर्ग मीटर बराबर पुराना क्षेत्रफल कितना है? xy वर्ग मीटर माइनस 9 वर्ग मीटर।
इतनी बात को समझा। तो ये हो गया तुमको, और x माइनस 5 y प्लस 3 वर्ग मीटर कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा, बराबर xy माइनस 9। अब इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बनेगा जी। इसको सॉल्व करेंगे तो xy माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15 बराबर xy माइनस 9। xy इस प्लस xy को इधर लाओ तो माइनस xy, ये 5y, इधर y नहीं है, प्लस 3x माइनस 15, माइनस 15 को आगे ले जाएंगे तो बराबर, ये xy पहले आया तो माइनस 9 प्लस 15 होगा जी। ये कट गया तो 3x प्लस में इसको पहले लिखेंगे, अब माइनस 5y ऐसा लिख सकते हैं जी। बराबर ये हो गया 6, होगा ना जी। तो और 3x बराबर 6 प्लस 5y, इसीलिए x बराबर 6 प्लस 5y बटा 3। ये तो निकला x बराबर 6 प्लस 5y बटा 3, समीकरण 1। बोलो यहाँ तक समझा लंबू जी। ये तो पहले वाला माने हैं 100 है, तो यहाँ तक बनाने पर एक इक्वेशन निकला, यदि हम लंबाई को 3 मीटर और चौड़ाई को 2 मीटर बढ़ा दे, यानी लंबाई को भी बढ़ा दे कितना 3 मीटर और चौड़ाई को भी 2 मीटर बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग मीटर बढ़ जाता है लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाने पर। लिखेंगे पुनः प्रश्न से, लंबाई को कितना बढ़ाने पर 3 मीटर, लंबाई को 3 मीटर तथा चौड़ाई को 2 मीटर दो मीटर बढ़ाने पर नया लंबाई कितना होगा, चलो बोलो 3x। हम लोग लंबाई माने हैं x मीटर, तो लंबाई को 3 मीटर और चौड़ाई को 2 मीटर बढ़ाएंगे, लंबाई को 3 मीटर बढ़ाएंगे, मान लो 12 मीटर है, 3 मीटर बढ़ाएंगे तो 12 जो 3, अगर x मीटर है तो 3 मीटर बढ़ाएंगे तो x प्लस 3 होगा, तो नया लंबाई को 3 मीटर बढ़ाने पर x प्लस 3 मीटर होगा, और चौड़ाई को 2 मीटर बढ़ाने पर नया चौड़ाई कितना y प्लस 2, y मीटर चौड़ा है तो y प्लस 2 मीटर, इसलिए नया क्षेत्रफल बराबर नया लंबाई गुने नया चौड़ाई होगा, x प्लस नया लंबाई गुने नया चौड़ाई नया लंबाई हो गया x प्लस 3 मीटर गुने नया चौड़ाई y प्लस 2 मीटर, इतना हो गया। तो नया क्षेत्रफल अर्थात नया क्षेत्रफल बराबर x प्लस 3 y प्लस 2 x प्लस 3 इंटू y प्लस 2 मीटर, मीटर को गुना करेंगे वर्ग मीटर, लेकिन देखो प्रश्न में क्या कहता है, लंबाई को 3 मीटर और चौड़ाई को 2 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल 67 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, यानी पहले जो क्षेत्रफल था
जब लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर था तो एक्स वाई वर्ग मीटर जो पहले क्षेत्रफल था तो लंबाई चौड़ाई को बढ़ाएंगे तो ये जो नया क्षेत्रफल हुआ पहले वाला क्षेत्रफल से कितना अधिक है 67 वर्ग मीटर। यानी ये है जितना रुपया है ये रुपया मान लो तो 67 रुपया अधिक है। मान लो ये 100 रुपया है तो ये कितना है 100 जोड़ 67 यानी ये 167 है। तो दोनों को कैसे 100 को 67 को कैसे बराबर करेंगे 100 और 167 को बराबर कैसे करेंगे। या तो 167 में से 67 घटा दो तब 100 हो जाएगा 100 बराबर 100 या 100 में 67 जोड़ दो। तो ये क्षेत्रफल पहले वाला जो है ये एक्स वाई वर्ग मीटर है दूसरा इतना है इतना वर्ग मीटर। तो ये दूसरा वाला जो नया क्षेत्रफल है ये 67 अधिक है 67 वर्ग मीटर। तो जैसे अभी उदाहरण दिए ये 100 है 100 रुपया है तो ये कहता है 67 रुपया अधिक है यानी 167 है। तो दोनों को बराबर करने के लिए या तो इसमें 67 जोड़ो या इसमें 67 घटाओ यही उपाय है जी। तो इसमें से मान लो अगर 67 हम लोग घटाते हैं तो 167 में से 67 घटाओ 100 के बराबर हो गया। दूसरा तरीका है इस 100 में 67 जोड़ दो तो आगे वाला के बराबर हो गया जी। तो इसी तरह ये नया क्षेत्रफल जो है 67 वर्ग मीटर बढ़ जाता है पुराने से। इसका मतलब हुआ पुराना क्षेत्रफल आ ये हो गया तुमको नया क्षेत्रफल। तो नया क्षेत्रफल 67 वर्ग मीटर अधिक है तो या तो इसमें से 67 घटा दो या इसमें जोड़ दो तो दोनों हो जाएगा बराबर। तो मान लो चलो पुराना वाला में 67 वर्ग मीटर जोड़ देते हैं तो बराबर हो गया दोनों। पुराना क्षेत्रफल देखो कितना है एक्स वाई वर्ग मीटर तो एक्स वाई वर्ग मीटर जोड़ 67 वर्ग मीटर। नया क्षेत्रफल इतना है एक्स प्लस 3 वाई प्लस 2 वर्ग मीटर। बोलो इतना तक समझे। वर्ग मीटर कॉमन ले लेंगे कट जाएगा यानी हट जाएगा। ये हो गया एक्स वाई प्लस 67 बराबर एक्स प्लस 3 वाई प्लस 2 इतना हुआ जी। इसको अगर हल करेंगे तो एक्स वाई प्लस 67 वाई को एक्स से गुना करेंगे एक्स वाई प्लस वाई गुने 3 वाई प्लस 2 गुने एक्स 2 एक्स प्लस द्वितीया 6 एक्स वाई ये प्लस एक्स वाई पहले आएगा तो माइनस एक्स वाई और 67 को यहीं रहने दो 67 की 6 को पहले लाएंगे तो माइनस 6 बराबर ये तो इधर चला गया ये दोनों बच गया 3 वाई प्लस 2 एक्स। देखो ये कट गया तो 67 में से 6 गया 61 बराबर 3 वाई प्लस 2 एक्स होगा इतना। तो हो गया तुमको 2x प्लस 3y बराबर 61 और 2x बराबर 61 माइनस 3y इसलिए x बराबर 61 माइनस 3y बटा 2 समीकरण 2। समीकरण 1 में देखो x का मान है 2 में भी x का मान है तो समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से एक में है 6 प्लस 5y बटा 3 बराबर 61 माइनस 3y बटा 2। समीकरण आना है जरूरी पहले ये बोलो अभी भी मौका है अगर थोड़ा भी समीकरण कमजोर है तो बेस ऑफ अलजेब्रा इतना डिटेल में पढ़ाएं देख लो
नो क्वेश्चन नो मैम, इस सबको हम थोड़ी डिटेल में बतलाएंगे, हल करते जाते हैं, देखते जाओ जी। तुम लोग के लिए अब छोटी सी बातें होनी चाहिए, बोलो क्या करेंगे। दो छक्के 12 प्लस 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 पंच 10 वाय, 1 एक 3 छत्री का 18 1 प्लस माइनस माइनस 9 वाय 10 वाय बराबर, इधर लाएंगे तो प्लस 9 वाय, ये 183 माइनस 12 तो 10 9 19 वाय, 3 में से 2 हो गया 1, 18 में से हो गया 17, इसीलिए वाय बराबर 171/19, ये होगा 9। वाय का मान निकला 9, वाय बराबर 9। और एक्स बराबर समीकरण 1 में कितना है, 6 प्लस 5 वाय बटा 3, 6 प्लस 5 वाय का मान 9 बटा 3, तो 6 जोड़ 5 नामे 45 बटा 3, 45 51 बटा 3, 17 51, एक्स बराबर 17। देखो शुरुआती ही दौर में हम लोग माने हैं, माना कि लंबाई एक्स है, एक्स मीटर है, चौड़ाई वाई मीटर है, तो लंबाई निकल गया तुमको एक्स मीटर यानी 17 मीटर निकला, लंबाई हो गया 17 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर, चौड़ाई हमेशा अधिक होता है लंबाई से, 9 मीटर चौड़ाई हो गया 17 मीटर लंबाई, कहता आयत की बीमाएं ज्ञात कीजिए, बीमा मतलब लंबाई गुण लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को बीमा कहते हैं, सिर्फ बीमा दिया हो तो समझ लो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालना है, तो आयत में तो लंबाई चौड़ाई है जी। तो लंबाई चौड़ाई दोनों बीमा निकल गया जी। है इतना आंसर होगा ही, ये एक्सरसाइज शायद समाप्त हो गया है ना, एक हिसाब बच रहा है, डाटा अधूरा है, इसको अगले पार्ट में बतलाएंगे, अब अगला चैप्टर निकालो।